बिहार में अब घने कोहरे का कहर दिखना शुरू हो गया। ताजा मामला पटना से आ रही है, जहां घने कोहरे की वजह से सुबह करीब 5 बजे बेऊर मोड़ के पास अचानक गिट्टी लोड कर स्पीड आ रही हाइवा ट्रक पुलिस की गश्ती गाड़ी पर पलट गई। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए हैं। बताया जाता है कि घने कोहरे के कारण पुलिस की जिप्सी नहीं दिखी, जिसके कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें जिप्सी में बैठे 5 पुलिसकर्मी झुलस गए। जब तक लोग और पुलिस मदद के लिए पहुंचती है, तब तक 3 जवानों की मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मियों की पहचान पुखराज कुमार, प्रभु कुमार और सियाराम शरण के रूप में हुई। घायल पुलिसकर्मियों में 1 सब इंस्पेक्टर सियाराम पासवान और 1 सिपाही है। बताया जा रहा है कि पुलिस गाड़ी में विस्फोट हो गया, जिसकी आवाज करीब 500 मीटर तक सुनाई दी। प्रतीत होता है कि पुलिस जिप्सी के फ्यूज टैंक में आग लगने के कारण यह विस्फोट हुआ। घटना के बाद गर्दनियाबाग और बेऊर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है।